एडवेंचर करने आपके लिए पटना वाटरफॉल की तरफ आ चुके हैं, जो कि इन घने जंगलों के बीच में है। क्या कहना चाहोगे प्रवोद जी आप? यही कि पटना वाटरफॉल अभी जा ही रहे हैं, बाकी के लोकेशन बता ही देंगे। कश्मीर है खतरनाक रास्ता, 800 मीटर ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा हमें। 800 मीटर ऐसे ही चढ़ना, रास्ता काफ़ी टफ है। ये देखिएगा इस पेड़ गिरा हुआ। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करें। अभी हम पटना वाटरफॉल जाएंगे, जो कि ऋषिकेश के पास ही एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल के बारे में हम जानेंगे कि क्या, और वहाँ पे लोग काफ़ी टूरिस्ट लोग जाते हैं और वहाँ पे नहाते हैं वाटरफॉल में। मेहरपत जी भी वहाँ पे जाएंगे और नहाएंगे। तो गाइज आप कंटिन्यू करिए ब्लॉग को। तो चले पर्वत जी, चले पर्वत जी जा रहे हैं पहाड़ों के वादियों के बीच से। ये आप वीडियो में देख ही पा रहे हो। कल हमने जाने का प्लान किया था, लेकिन अंधेरा होने को आ गया था, तो वापस हम गाड़ी की तरफ चले गए, पार्किंग की तरफ चले गए थे। 7:07 कम है, तो चलते हैं। मौसम सुहाना है, बढ़िया मौसम, बढ़िया है एकदम। हम एडवेंचर करने आपके लिए पटना वाटरफॉल की तरफ आ चुके हैं, जो कि इन घने जंगलों के बीच में है। क्या कहना चाहोगे प्रवोद जी आप? यही कि पटना वाटरफॉल अभी जा ही रहे हैं, और बाकी के लोकेशन बता ही देंगे। कश्मीर है खतरनाक रास्ता, 800 मीटर ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा हमें। 800 मीटर ऐसे ही चढ़ना, रास्ता काफ़ी टफ है। ये देखिएगा इस पेड़ गिरा हुआ। तो गाइस अभी जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं पटना वाटरफॉल की तरफ, और ये यहाँ पे झरने चल रहे हैं। ये पर्वत जी चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। हाँ झरने तो काफ़ी चल रहे हैं। चलो गाइस आगे दो बंदे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि पटना वाटरफॉल और कितना दूर है। आप ब्लॉग को कंटिन्यू करिए। राम राम भैया, पटना वाटरफॉल यहाँ से कितना दूर है? लगभग 1 किलोमीटर दूर। आपसे तो हम मिले थे उस दिन। हाँ नीलकंठ जाके आगे वहाँ से। अच्छा। यहाँ पे कोई हमें कोई बंदा मिल सकता है जो पटना वाटरफॉल के बारे में जानकारी दे दे? वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ आराम से जाओ, मतलब कोई खतरा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ से सीधे सीधा जाना है? यहाँ से रास्ता आगे जाके दो रास्ते मिलेंगे। अच्छा, एक राइट हैंड मिलेगा गाँव के लिए। अच्छा, राइट हैंड की तरफ चले, ठीक है। और कोई कहानी है इसकी, इसके वाटरफॉल के पीछे की, पता है आपको कोई कहानी? कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही नेचुरल बनाया कई सालों, हजारों वर्ष। कितने फीट ऊपर से गिरता है ये? कम से कम 50-60-100 फीट होगा। 100 फीट से? अच्छा बढ़िया। बाकी हमारी वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, थोड़ा ध्यान रखना आप। थैंक यू। तो गाइज उस दिन जब हम नीलकंठ महादेव के लिए निकल रहे थे, तो जिन भाई के यहाँ पर्वत जी ने चाय पी थी और हम रुके थे, भैया का वीडियो बनाया था, वो भैया अपने गांव से अपनी दुकान की तरफ जा रहे हैं, और हमने उनको गाड़ी का भी जिम्मा सौंप दिया, भाई गाड़ी का ध्यान रखना। और चलते हैं अभी मैं और पर्वत जी, और आपको पटना वाटरफॉल के बारे में व्यू दिखाते हैं पटना वाटरफॉल का। और जंगलों का नज़ारा मस्त है, आप देख सकते हो।
कितने मीटर बोला था उन भैया ने? 800-900 मीटर बता रहे हैं, कुछ चले हैं। तो गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। राम राम भैया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भैया कि पटना वाटरफॉल किस साइड है? सामने है बस, थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा। ऐसे ही जाना है क्या? धन्यवाद। राइट पे चले जाना। राइट पे जाना है क्या? थैंक यू। वैसे गाइस पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं ऊपर और इंसान तो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। आप देख ही पा रहे हैं कितना हरा भरा जंगल है। परोजी क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कि इस तरफ आओ तो ज़रूर जंगलों में जाना चाहिए। एडवेंचरस हो जाएगा आपके। सेफ्टी के साथ में जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। बाकी आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। पटना वाटरफॉल कितनी दूर पे है भैया? आधा किलोमीटर। थकान हो रही है? हाँ, थकान हो रही है, खतरनाक। इतना भी आसान नहीं है ना जंगलों में जाना। आसान तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा मुझे तो। नहीं, वैसे व्यू देखने से तो अच्छा लग रहा है, पर फिर भी आसान नहीं है ऊपर जाना। तो गाइस हम पटना वाटरफॉल के आई थिंक मिड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये विश्राम पत्थर है और हमारी हालत कैसी हो गई है वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा आराम किया जाए। मौसम पसीना आ रहा है इस मौसम में ना। बाकी बादलों के बीच ही आ गए समझ में। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी मेहनत, इतना एडवेंचर करके हम आपके लिए जंगलों में 800 मीटर की दूरी पे, ऊंचाई पे आपके लिए आए हैं, आपको ब्लॉग दिखाने के लिए, आपको व्यू दिखाने के लिए आए हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है ना। स्टे ट्यून, थैंक यू। मैं और प्रवोद जी दो जने अभी पटना वाटरफॉल की तरफ निकल रहे हैं। तो गाइस थोड़ा आराम करने के बाद मैं और पर्वत जी दोनों वापस से पहाड़ों पे रवाना हो गए और ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। वैसे पर्वत जी यहाँ पे पेड़ बहुत, हाइट पेड़ों की बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ के मुकाबले। यहाँ पे पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, एक एक पेड़ मान लो 40-50 फीट के हाइट का। बहुत ज़्यादा हाइट है और इसका रीज़न मेरे ख्याल से ये भी होगा कि यहाँ पे पानी पूरी तरह से मिलता है। हाँ, पानी पर्याप्त मिलता हो पहाड़ों में। पहाड़ों में पानी की कमी नहीं है वहाँ, तो हमारे पानी की वजह से ही पेड़ छोटे रह जाते हैं। वही बात। और कुछ पेड़ों की नस्ल भी अलग है मेरे ख्याल से। हाँ वो तो है ही। हमारे वहाँ पे जो पेड़ है नॉर्मली वो ये नहीं है, वो अलग है। हाँ। चलो गाइज चलते हैं पटना वाटरफॉल की तरफ। आंटी वाटरफॉल कितनी दूरी पे है यहाँ पे? आप इसी गांव से हो आंटी? पटना के। अच्छा, तो गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ के जो बुज़ुर्ग महिला पुरुष हैं उनको ऊपर नीचे चढ़ाई करने में कितना कठिन हो रहा होगा। हाँ, आसान नहीं है ना उनके, उनकी ज़िंदगी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ। क्या लग रहा है आपको पर्वत जी? वही बात है ना, अगर आप ये मान के चलो कि कोई को छोटी मोटी बीमारी हो गई, मान लो हाँ, कोई आपातकालीन स्थिति हो भी जाती है यार। हाँ।
तो इतनी ऊंचाई से बाइक का भी साधन मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ से। नहीं, बाइक भी नहीं जा सकती। यहाँ से पैदल चल के भाग के जाएगा तो दवाई लेके आएगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। आपको क्या लग रहा है? वही है ना, वो देखो नीचे कितने खतरनाक पहाड़। पहाड़ खतरनाक है। और जो मैं अभी टॉपिक बोल रहा हूँ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो तो है ही, अपन इनकी मान लो यहीं के रहते हैं तो इनके लिए यही बेस्ट है। बेस्ट तो बोल सकते हैं हाँ, लेकिन आसान नहीं है। आसान तो है ही नहीं है 100%। मतलब हम जवानों के लिए भी इतना दो बार हम विश्राम करके चढ़े हैं मान सकते हो हाँ। और अभी हमने आंटी को देखा, आई थिंक कम से कम 50-55 की एज होगी। हाँ आराम से। तो गाइस, हेड्स ऑफ इन लोगों के लिए जो पटना गांव में रहते हैं और भारत के कई कोनों में से गांव हैं हाँ। ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे पहाड़ों के ऊपर आराम के घर बने हुए हैं। आराम तो अब पटना वाटरफॉल पे चल के ही करेंगे। थक गए? थक गया भाई। पर्वत सिंह जी को थकान आ गई और हमें मजबूरन बैठना पड़ रहा है उनके पीछे, क्या ही करें बताओ। साथी हो तो हमारे जैसा और क्या। हालत देख रहे होंगे आप और उधर पहाड़ देख रहे होंगे आप और इधर गहराई देख रहे होंगे आप। ये पेड़ों के बीच में इतना पता नहीं चल रहा कि कितनी गहराई है, बट बहुत ज़्यादा गहराई है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई है। और वो पहाड़ों की ऊंचाई वो भी बहुत ज़्यादा है, आई थिंक हज़ारों फीट ऊपर पहाड़ होंगे वो। परोज जी कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो अच्छा ही हो रहा है वैसे, बना क्या है कि चढ़ना तो मुश्किल है ही। बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। हम तो चलो एडवेंचर के लिए आज आए हैं यहाँ पे, विजिट करेंगे पटना झरना जो है, पटना वाटरफॉल है उसको, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हेड्स ऑफ है जो हमेशा यहाँ से अप डाउन करते हैं। बुज़ुर्गों के लिए खासकर बोलना चाहूँगा यार कि क्या खाते हैं यहाँ के लोग जो इतना ऊपर चढ़ाई करते हैं और नीचे ऊपर अप डाउन करते रहते हैं।